नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी के चलते अब लखनऊ की 14 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं पांचवें चरण में। यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गोसाईगंज लखनऊ में। यहाँ पर जानते हैं लोगों से क्या उनकी राय है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और किसको लाना चाह रहे हैं। क्या नाम है? वोट करने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? विकास मुद्दा रहने वाला है, क्या चाहते हैं सरकार की, जो भी सरकार है ना। जी, किन मुद्दों पर वोट करने आए हैं एज अ यूथ? आप एक युवा हैं, सरकार से क्या चाहती है, युवाओं के लिए सरकार क्या चाहती है? मोदी को देना है। ट्रेलर में जो मजा आ रहा है तो पिक्चर में कहाँ मजा है? जब अगर ट्रेलर चल रहा है इमा मजा है तो पिक्चर में तो बहुत ही मजा है। जो पिक्चर में देखवाए वो तो सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं। मतलब आपका मानना है बीजेपी है तो मोहम्मद सब जीत रहा है? कहाँ से आए निकल जाओ। तीन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और कौन सी पार्टी जीत रही है आपके लिए? हाँ, ये थी कमल का फूल। कमल का फूल यहाँ पर फिलहाल जो गोसाईगंज में नजर आ रही है पूर्ण रूप से बीजेपी नजर आ रही है। जहाँ भी देखो बीजेपी के लोग बता रहे कोई टक्कर में नहीं है उनकी। बाकी और दादा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, उनसे जानते हैं ये किसको वोट दे रहे हैं। दादा बीजेपी को दे रहे हैं। किन मुद्दों पर कर रहे हैं योगी जी का? जो मंदिर बनाया है अयोध्या में, क्या वो एक बड़ा रीजन होगा? जी, तो यहाँ पर लोगों का मानना है सबसे बड़ा रीजन पहली बात तो अयोध्या है और अयोध्या का राम मंदिर है, उसी वजह से लोग वोट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी लोगों से जाना सबकी राय वही है कि बीजेपी की। यहाँ पर जब से दादी आई है देख सकते हैं आप, बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, लेकिन बावजूद उसके अपना जो अधिकार है उनका वोट देने का वो देने आई। दादी किन मुद्दों पर वोट करने आई है और किसे वोट करने आई? किस तरह से जो भी लोग यहाँ पर फिलहाल गोसाईगंज में आए हुए हैं उनका यही मानना है पूर्ण रूप से कि बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी ही जीत रही है। अब क्या कुछ होता है जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गोसाईगंज की जनता का मन बीजेपी है और उसमें एक बड़ा कारण अयोध्या का राम मंदिर भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं गौरव, देखते रहिए।